तो उत्तर प्रदेश श्रम विभाग की वेबसाइट काफ़ी लंबे समय से बंद थी, लेकिन अब वो प्रॉपर वर्क करने लगी है। प्रॉपर तो नहीं, अभी वेबसाइट जो पहले खुल नहीं रही थी, वेबसाइट खोलने लगी है और उसमें कुछ बेसिक काम भी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे पंजीकरण, नवीनीकरण और आधार सत्यापन, और कुछ योजनाओं के फॉर्म भी ऑनलाइन अप्लाई होने लगे हैं। बाकी यहाँ पर कुछ चीज़ों पर अभी भी वर्क चल रहा है, वहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो साइट अंडर मेंटेनेंस लिखकर आ जाती है, लेकिन अब जो है वेबसाइट खुलने लगी है एंड कुछ चीज़ें काम करने लगी हैं, तो आगे आने वाले टाइम में वेबसाइट पूरी तरीके से प्रॉपरली वर्क करने लगेगी। तो काफ़ी लंबे समय से इस वेबसाइट में कुछ अपडेट चल रहे थे, जिस वजह से ये वेबसाइट बंद थी और लोग काफ़ी परेशान थे। कुछ लोगों का जो नया पंजीकरण होना था वो पेंडिंग में पड़ा था, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा था। वहीं कुछ लोग इसके लाभार्थी थे, उनका रिन्यूअल नहीं हो पा रहा था, तो वो भी लोग काफ़ी परेशान थे। और कुछ लोग ऐसे थे जिनका रिन्यूअल वगैरह सारी चीज़ें थी, लेकिन उन्हें किसी योजना का लाभ लेना तो उसके लिए भी वो अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। चलिए वेबसाइट पर चलते हैं और मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ वेबसाइट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और यहाँ पर क्या क्या चीज़ें वेबसाइट में प्रॉपर वर्क करने लगी हैं और क्या क्या अंडर मेंटेनेंस दिखा रहा है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को, जो यूपी लेबर कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उसे आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो देख सकते हैं हमारी वेबसाइट जो पहले थी लगभग वैसी ही वेबसाइट अभी है। इसमें शायद यहाँ पर एक ऑप्शन लास्ट में बढ़ा दिया गया है, अपना आधार सत्यापित करें, और कुछ और भी अपडेट इसमें किए गए हैं। बाकी यहाँ पर जो वेबसाइट का इंटरफेस है और जो उसकी थीम वगैरह है वो पहले की तरह ही है, जैसी पहले वेबसाइट की थी। बाकी यहाँ पर इसमें अभी कुछ काम स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे यहाँ पर आप श्रमिक का पंजीयन पर क्लिक करके नया पंजीकरण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ओटीपी वाली प्रॉब्लम अभी भी इसमें रह रही है। यहाँ पर पंजीकरण नवीनीकरण पर क्लिक करके पंजीकरण का आप नवीनीकरण के लिए भी प्रोसीड कर सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और कैप्चा को फिल करके श्रमिक EKYC का विवरण आ जाएगा और OTP यहाँ पर आपके मोबाइल पर प्राप्त नहीं होगी। OTP प्राप्त हो भी जाती है तो यहाँ पर कोई सबमिट का ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर वेबसाइट आप जब वर्क करने लगी है तो कुछ दिन बाद प्रॉपर वर्क करने लगेगी और सारे काम यहाँ से स्टार्ट भी हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर अभी आप अपने पंजीयन की स्थिति को भी नहीं देख पाएंगे, यहाँ पर शायद अंडर मेंटेनेंस ही लिखकर आ जाएगा। साथ ही अगर आप अपने श्रमिक कार्ड के पंजीयन की संख्या को जानना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर अभी चेक नहीं कर पाएंगे, वो भी अंडर मेंटेनेंस चल रहा है। बाकी यहाँ पर कुछ योजनाएं हैं जो अभी स्टार्ट हो चुकी हैं, यहाँ पर योजनाएं पर क्लिक करके आप समस्त योजनाओं पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद कुछ योजना के लिए यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और कुछ योजनाएँ अभी बंद हैं। बाकी यहाँ पर किसी योजना में अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पहले होम वेबसाइट पर वापस आएंगे, उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको योजना आवेदन का ऑप्शन मिलेंगे, तो इस पर आपको आवेदन करें, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मंडल सिलेक्ट करना है और उसके बाद योजना चुने पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कन्या विवाह सहायता योजना और संत रविदास प्रोत्साहन योजना। तो ये दो योजनाएं फिलहाल चल रही हैं जिसमें आप पंजीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर वेबसाइट पर कुछ चीज़ें काम करने लगी हैं, कुछ अभी भी अंडर मेंटेनेंस हैं जो कि जल्दी वर्क करने लगेंगी। और यहाँ पर श्रमिक नवीनीकरण और आधार सत्यापन योजना का फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई से रिलेटेड वीडियोस जल्दी आने वाली हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।